उसमें से दो कंपनियां तो हो चुकी लिस्ट, तीसरी होने वाली है कल। इस लिस्टिंग से रिलेटेड क्या क्या जानकारी आपके हाथ में होनी चाहिए ये बताने के लिए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिम्पी बताइए, अरविंद फैशन पूरी डिटेल्स क्या क्या है इसकी? अरविंद फैशन दूसरी कंपनी है, तीन कंपनी में हिस्सा बटलर, पहले अनूप इंजीनियरिंग, अब दूसरा अरविंद फैशन है जो कि कल लिस्ट हो जाएगा। अब ये अरविंद के 5 शेयरों के बदले में अरविंद फैशन का 1 शेयर आपको मिलने वाला है जिसकी फेस वैल्यू करीब 4 रुपए बताई गई है। अब आते हैं डीमर्ज के बाद ये अप्रेजल वाला काम काज इनका अलग हो जाएगा, इंजीनियरिंग का बिजनेस बिल्कुल अलग हो जाएगा। अरविंद फैशन जो कल अलग होकर लिस्ट होगा, आखिरकार वो है क्या? 180 शहरों में करीब 1400 स्टोर इनके पास है, यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, टॉमी और गैप जैसे बड़े ब्रांड इनके पास है, काफी फेमस है मेंस वेयर के अंदर, काफी सारे लोग इनके बारे में जानते भी हैं। तो ये सारे के सारे ब्रांड के साथ कंपनी अपने कारोबार के साथ आगे बढ़ेगी जो कि कल डीलिस्ट होके एक अलग एंटिटी बन जाएगी। अब आते हैं योगदान, आय कहाँ से इनके पास ज्यादा आती है। इनके पास 3 अलग अलग ब्रांड है जो इन्होंने अपने बिजनेस के हिसाब से कैटेगराइज कर रखा है। फर्स्ट नए ब्रांड्स जहाँ से 15% रेवेन्यू आता है, कुछ स्पेशलिटी ब्रांड्स है जो कि स्पेशल कैटेगरी के अंदर है जिनमें हाई एंड मार्जिन है वो 25% है, और पावर ब्रांड जो कि इनके कॉमन ब्रांड है जो काफी सालों से चल रहा है वो करीब 60% इनका हिस्सा लेके आता है। अब आप आते हैं इनके नतीजों पर, इनके नतीजा कैसा रहा है। इनका अगर आय देखें तो करीब 17% का इजाफा हमको वहां आते हुए दिखा है। कामकाजी मुनाफा पिछली बार के नतीजों के अंदर 19% बढ़ा और मुनाफे के अंदर भी करीब 98% की हमको जबरदस्त ग्रोथ आते हुए दिखी है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हर बार एक अच्छी बढ़त इन्होंने अपने नंबर्स में दिखाई है। पहले कंसोलिडेट होकर आते थे, अब आपको अलग दिखेंगे। मैनेजमेंट ने भी कोई गाइडेंस दी है, मैनेजमेंट का ये मानना है कि हर साल वो अपने मार्जिन्स में 1% का सुधार करेंगे। इनका एक ब्रांड है गैप, उसको और मुनाफे में लेके आने की उम्मीद है। ये ब्रांड ऐसा है जो भी लॉस मेकिंग है तो उसको मुनाफे में ले आएंगे, और 2 साल में अनलिमिटेड जैसे जो इनका एक बड़ा ब्रांड है उसको भी मुनाफे में लेके आने की इनकी योजना है। अब इनका एक और सेगमेंट है जो आपको बताना जरूरी है कि जब एक कंपनी लिस्ट हो रही है तो उसके बारे में जानकारी रखते हुए इनकी आय ऑफलाइन और ऑनलाइन से कितनी आती है। ऑफलाइन वो ट्रेड है जिसमें सीधा आप शोरूम में जाके कपड़े जाके लेते हैं, इनके वो 87% है, यानी कि हर 100 ग्राहक में से 87 ग्राहक इनके शोरूम में जाके कपड़े लेते हैं, 13 ऑनलाइन बुकिंग पे कराते हैं। ये सेगमेंट छोटा है, हो सकता है कंपनी आने वाले दिनों में इस सेगमेंट को बढ़ाएगी तो ओवरऑल बिजनेस बढ़ जाएगा। आय उत्तर भारत से सबसे ज्यादा आय इनके पास आती है, वहां पे इनके नंबर ऑफ स्टोर भी ज्यादा है, 40% आय, और दूसरा है दक्षिण भारत में, पश्चिम और दक्षिण पूर्व में कुछ ज्यादा बड़ा बिजनेस इनके पास है नहीं। आय का जो हिस्सा है क्योंकि अलग अलग सेगमेंट में है, किड्स में भी है, मेंस में भी है, तो मेंस सेगमेंट इनका कोर सेगमेंट है जहां से करीब 60% आय आती है, किड्स में से करीब 15% आय आती है, इसके अलावा वुमेन सेगमेंट थोड़ा छोटा है वहां से सिर्फ 12% ही आय इनको आती है। तो ये बहुत डिटेल्ड रिसर्च यहाँ पर डिपेंड बता दी, लेकिन एग्जैक्टली